नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे थे वीडियो में एक सुनैना कुमारी, एक छोटी सी बच्ची जिसको सर्पदंश हुआ था। भारत का सबसे जहरीला सांप हीमोटॉक्सिन इसमें पाया जाता है और ये सांप कभी भी बाइट करता है तो हम अक्सर बताते हैं कि इसमें कभी भी रस्सी नहीं बांधना। ये गलती के कारण जो है इस बच्ची का पैर बहुत बुरी तरह पैर सूजन हुआ था और ये लोग बहुत जल्दी एक घंटे के अंदर आया था। फिर भी उसको बहुत सारे एंटीवेनम की आवश्यकता, कम से कम 40 से 45 एंटीवेनम और बहुत सारा दवाई चला है और ट्रीटमेंट के बाद अभी स्वस्थ है। और जिस समय इलाज चल रहा था उस समय में बहुत पैसा का आवश्यकता था, तो आप सभी को हम लोग अनुरोध किए थे कि आप लोग सहयोग करें, लेकिन जितना खर्चा होता उतना सहयोग नहीं हो पाता जी। लेकिन आप सभी का दुआ के कारण आज स्वस्थ है सुनैना और उनके पूरे जो भी सहयोग किए आसपास के व्यक्ति लोग हैं उनके साथ आके खड़े हुए थे इस मुसीबत में, क्योंकि इनके पिताजी ये है, ये छोटा सा जॉब करते, चावल और बांटते जो भी है, जो कि इससे आप किसी तरह घर तो चला सकते हैं लेकिन इतने बड़े स्नेक बाइट का मरीज को बचाना संभव है, जो कि एक रसल वाइपर बाइट में 2-3 लाख किडनी लिवर डैमेज होने के बाद बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है। तो यहाँ सभी मौजूद है और ये लोग बहुत सीधे साधे होते हैं और ये लोग सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी जो मन के बहुत सच्चे सांप होते हैं। मेरे पास जब भी आए तभी मैं सोचा था कि इस बच्चे को किसी भी हाल में हमको बचाना है और ये बच्चे भी बहुत हिम्मत दी हमको और हम लोग साथ मिलके उनको बचाए हैं। नमस्ते, मैं सुनैना कुमारी। आपको की दुआओं की वजह से आज मैं इतना ठीक हो पाई हूँ। आपको के लिए मेरी बहुत मदद की है। तो दोस्तों आप इसी तरह सहयोग करें, जो गरीब बच्चा है जिसको सर्पदंश के बाद इलाज असंभव है, जिसके कारण जो है ज़्यादातर लोग जो है झाड़ फूँक में चले जाते हैं, सोचते हैं कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, तो इस डर से झाड़ फूँक के पास जाते हैं, वहाँ पर जान चला जाता है। लेकिन ये लोग सूझबूझ का साथ दिखाए हैं, हिम्मत दिखाए हैं और लोग जानते हैं कि सांप काटने का एकमात्र उपचार है झाड़ फूँक नहीं, डॉक्टर एंटीवेनम इलाज। और यही भारत में आपको सभी को बताना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है, शेयर करना है। आज मैं सुनैना कुमार को मेरे तरफ से कुछ जो है सहयोग राशि दे रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मैं इस बच्ची को सांप दिखाना चाहता हूँ, जो ये लोग पकड़ के लाए थे उसको हम लोग अभी रिलीज नहीं किए, वो रसल वाइपर जो इसको बाइट किया दोस्तों मैंने तो देखा नहीं था, लेकिन अभी दिखाऊँ दोस्तों, बने रहे हमारा वीडियो। ये कभी भी काटेगा इसमें कभी भी आप लोग रस्सी नहीं बांधिएगा, तो रस्सी बांध दीजिएगा तो उसको देखिए काला से डरता है, इसे काला जैसे दिखा रहे हैं ठीक है। तो जैसे दोस्तों ये लोग सांप काटने के बाद ये लोग पैर में बांध दिए थे, क्योंकि तो अक्सर मैं बताता हूँ कि कभी भी सांप काटे तो पैर में रस्सी नहीं बांधो, रस्सी बांधोगे तो बहुत दिक्कत होगा, पैर को काटना भी पड़ सकता है। और ये किस तरह काटा कैसे ठीक है, भगवान कितने बहुत स्पीड से बैठ सकता है, ये काला से डरता है इसीलिए गुड़ मुड़ा के बैठ जाता है। अगर आपका घर में कहीं सांप नजर आ गया, भाग रहा, कुछ नहीं करे, काला प्लास्टिक लेना, बड़का डंडा में इसका सब रख दीजिए, वैसे बैठ जाएगा, वो हटेगा नहीं, जब तक काला दिखाएंगे तब तक वहीं बैठा रहा। हाँ एकदम, आप दूर से जाके दिखाइए वहीं बैठा रहा, कहीं जब तक ये काला रहेगा। समझिए ना, ये रसल वाइपर अजगर नहीं है, बहुत आदमी झारखंड में अभी स्वस्थ ही अजगर है, जिसके कारण जो ये काटने के बाद कहाँ होगा, हाथ पकड़ के घूमने लगता है। अभी धान काट रहा था, एक आदमी को ये नज़र आ गया, वो क्या कि इसको उठा के ले आया घर में आकर बाल बच्चा के साथ बोला इसको पालेंगे और काटा उसको आदमी को, बेचारा मर गया। इसीलिए जिसको अजगर नहीं है, अजगर होता दूसरा टाइप का, बड़ा होगा और उसका बॉडी शरीर जो है ना तेल टाइप का चमकेगा, इसका चमक इसका खुरदरा होता है, इस तरह सीटी मारेगा और अजगर इस तरह जोर से सीटी नहीं मारता, ये पूरा प्रेशर कुकर सीटी जैसा मारता है।